इस टाइम पे बस एंड हो गई है मेरी जाना। मैं थक के चूर हो चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा भाई, तो आपको ये बताना था, जैसा कि मैंने आपको बताया था छत पिंजरा विंजरा बनाने, तो आपका भाई रहा है देसी काले मिस्री बच्चे। चेक करो भाई, चेक करो भाई साहब, कैसे शो बच्चे। ये जो मुर्गी है ना यार, अल्लाह की कसम ये मारने आती है इनको यार। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, उसकी ऐसी की तैसी, तो पता ही है मुर्गी है ना इनको मारेगी। अच्छा, कि जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग ये चूजे वगैरह लाए थे, अब इनके लिए जो है ना पूरे पिंजरे में सेटिंग करनी पड़ेगी, मट्टी बिछानी पड़ेगी, ताकि ये जो गंदा है ना बदबू भी ना आए और सुकून से याशी से रहें ये लोग मज़ेदार से। ये मट्टी लेकर आया हूँ मैं इनके लिए। ये केब हो रहा है, एक केब हो रहा है जिसमें मैं बैठा हूँ, तो अब इनको हम बाहर निकालते हैं ना, थोड़ा बाहर वा रहा है ताकि हम अंदर। ये ब्लैक मिस्री है ये, तो अब इनके ना अंदर ये पूरा देख रहे हैं। चाचा, ये सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? अच्छा, कि जैसा आप देख रहे हैं, मैंने ना पूरा अंदर मट्टी की सेटिंग कर दी है, VIP करके बिछा दिया ना मैंने। और दो जो है ना ये भी है, इसमें एक मुर्गा है और एक मुर्गी है। मुर्गा जो है ना थोड़ा डरता है, दुआ करो जल्दी से। ये देखो बहुत आरामी है। अब दुआ करो ये मुर्गी जो है ना अंडे दे दे ना। इसके लिए मैं सामने देखे ना घास वगैरह लेकर आया था, अब इसकी अलग से एक मट्टी बिछा दो, अलग से इसकी घास वगैरह डालूंगा ताकि अंडे दे। बस दुआ करो ये अंडे दे देना यार, दिल को सुकून आ जाएगा थोड़ा ना। और मैंने क्या गलती कर दी थी, मैंने गलती ये कर दी थी कि चूजों को और मुर्गी और मुर्गे को साथ बांध, मतलब बंद कर दिया था मैंने, तो इस मुर्गी ने है ना इस बेचारे चूजे को गंजा कर दिया पीछे से। ये जो चूजा है ना बेचारा, उसको पीछे से देखेंगे गंजा कर दिया। मैं सुबह सो के उठ गया है, मैंने बोला भाई यार ये तो खून खून हो रही थी। ये चेक करो भाई साहब, कैसे मट्टी में खेल लें, कैसे खेल लें मट्टी में, फुल मस्त हो गए ना ये लोग। इनको मट्टी मिल गई, देखो ये देखो ये देखो भाई साहब फुल गई, जैसे वो बकरे में जानवर नहीं खेलते, उनको डाल दो भाई मट्टी पूरा, अपना मुंह रगड़ते रहते। छत वगैरह का काम, रिपेयरिंग का जन्म करवाने आए थे ना फार्म पे। जल्दी जल्दी उतारे, देख रहा हूँ आप लोग सही है। उतार ना, जल्दी जल्दी उतारे ना यार, आपको पता नहीं है मेरा अपना बिजनेस चल रहा है यार। बाबा मजदूर किस लिए है, ये शादी है ना, मस्ती का रहे हैं। एक मैंने भी उठाया, एक दो मैं नाम लिखवा लूं। माशाल्लाह बकरियां ज्यादा हो गई भाई। अब उस याद है पिछले मैंने दिखाया था, छोटी सी थी, अब इसने माशाल्लाह जो है ना हाइट वाइट शो कर ली अपनी ना,
वही वो दुपट्टे वाली बड़ी है जो मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में बताया था। अरे हमारे शौक तो इधर भी हैं, ये देखो भाई, ये खरगोश भी है, सील भी है ना इसमें। ये मुर्गा तो शो वाला ना यार, जाली है ना सही से दिखने का, बाकी खरगोश वगैरह और ये अपने बछड़े। गंदी काम चल रहा है भाई, स्टार्ट होने वाला है फार्म ऐसी की तैसी। ये देखो ना यार क्या हशर हुआ भाई, अब यहाँ अल्लाह ना करे बारिश होती हुई तो बहुत तेज होती है हवा से आपको अंदाजा हो गया होगा, बहुत तेज बारिश होती है यहाँ पे ना। मैं जब आया था यहाँ पे ना पास वगैरह छोड़ने तो मुझे पता अंदाजा लग गया था कि कितना तेज बारिश होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारी तो फटके जो है ना लोग ही फटके चार होती है, हमारी फटके 16 हो गई थी। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा होता है। अच्छा भाई अभी सीन ये हुआ ही जो है ना, एक बंदा जो है ना कर दिया बहुत जो है ना शोर शबाटा वाला सीन। ये हमारी छत सही हो रही थी तो सोलर पैनल उठाया इसने, ले लिया यार छत की जो है ना ऐसी तैसी हुई पड़ी है। पता है सबसे मुश्किल काम का ये जो पेनाफ्लेक्स है ना, भी पेनाफ्लेक्स इसको है छत के ऊपर चढ़ाना, सबसे बड़ा मरहला है ना, सब पीछे से बाहर आने वाला है। असली है ये लोडा यार, इसके बीच में पेनाफ्लेक्स है, मेरी सुनो, पेनाफ्लेक्स के बीच में बांस फंसा है और ऐसी ऊपर डाला है। अपनी गाड़ी रियो निकालू न जाना, मछली पल्ला खिलाऊ तुझे किनारे। यार गाड़ी में ना दम घुट रहा था मेरा, तो अब मैं ये फन लेकर आया हूँ, इसको यहाँ पे बिछा के जो है ना तो इस पे ही बैठूंगा मैं, फट गई अब मेरी। अच्छा तो भाई फाइनली बहुत ख्वाही के बाद जो है ना अब हम आ गए हैं अपने वही पुराने वाले फार्म, सराबगुड वाले, अफगानी गोड वाले, तो आपको लेके चलते हैं। वही यार अपना वही है सिस्टम जहाँ पे अपने बकरियाँ नहीं छोड़ी थी हमने, बकरे वो यार बछड़ी जिधर अपनी खड़ी हुई है ना, बुलबुल अपनी उधर, ये अपनी बकरे, एक ये खड़ा हुआ, एक ये रहा यार। बच्चा अच्छा है वाला मुर्गी का, वैसे बड़ी हो गई ये है साहब भाई, बड़ी हो गई है हाँ, क्या ऊपर बड़ी है इसलिए लग रही, हाँ गोल हो गई माशाल्लाह। यार मेरी ना इस टाइम पे बस एंड हो गई है मेरी जो है ना, मैं थक के चूर हो चुका हूँ और ये कपड़े वगैरह भी जो है ना पूरे अजीब गंदे संदे हो गए ना बिल्कुल ही, तो मैं तो बहुत थक गया, पसीने सीने भी आ रहे हैं, मैं बाहर नहीं रह सकता ज़्यादा, और बाहर कहीं बैठो भी ना तो मट्टी वट्टी है वो पूरी अभी। मैंने वही गाड़ी में आने का फैसला किया, आराम से इसी में बैठो मस्त सो जाओगे तो कहना सो जाओ। अबे भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ ना अभी, बहुत ऐसी हो गई है हालत ना, कुत्ते वाली हालत हो गई है, नमाज भी पढ़ लिए थे, थक गया हूँ मैं। अब आपका भाई जो है ना फुल रेडी हो गया, अब मैं जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज अदा करके इंशाल्लाह मैं आती हूँ तो मैं आपको आगे अपडेट से। Thank you.
भाई सीन को जब ऐसा है, सुबह 5 बजे के उठे हुए थे और ये ना हालत नमाज पढ़ने के बाद हो गई थी बिल्कुल बैंड, ठीक है। तो हम सो गए थे ना थोड़ा सा। अभी तो खैर मेरे घर वालों ने लोगों को दाने वगैरह जो उनका ये रोटी भिगोता हूँ मैं ना पूरी रात रोटी भिगो के सिवा इनको देते हैं, बाकी ये सारा तो इनको दे दिया। अब बस दुआ करो यार, अंडे आते हैं ना, अंडे आना तरना शुरू हो जाना तो फिर कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है ना, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। तो ये था हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और बस आपका ऐसी सपोर्ट चाहिए, बस आपकी सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह। अभी आज ये पिंजरा, तो इंशाल्लाह यहाँ पे पूरे पिंजरे ही पिंजरे भर देंगे हम, इंशाल्लाह पिंजरे। खरगोश ला सके खरगोश लेकर आएंगे, जो ला सके अंडरस्टैंड जो ला सके लेकर आएंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं, और आपकी मोहब्बत चाहिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।